change in profit sharing ratio of existing partner. और टॉपिक है इसमें आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, एक एग्जांपल होगा मैं इसमें और उससे हम स्टार्ट करेंगे. मान लीजिए तीन पार्टनर है ए बी सी, रेशियो उनका 3:1. नाउ दे डिसाइड कि जो न्यू रेशियो है उनका अब रहेगा 1:1:1 एंड गुडविल वैल्यूड एट ₹20,000 ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए ओल्ड रेशियो 3:6 एंड न्यू रेशियो 1:3. 1+1 इज इक्वल टू 3 हो गया तो 1:3 हो गया. 3+2 1 6 हो गया तो 3:6 हमने किया. ये आ गया आपका 3-2 1:6. बी 2:6-1:3 2-2 0:6 एंड फॉर सी 1:6-1:3 6 1-2 -1:6. इन्होंने गेन किया, इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने कुछ नहीं किया. ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो गुडविल है हमारे इस क्वेश्चन में, हमारा जो टॉपिक है वो है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है. तो गुडविल इज इक्वल टू है 20,000. इट इज वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो एज सैक्रीफाइसिंग शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1:6. थोड़ा सा इसमें क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी तो मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ. इसमें चेंज कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं 24,000. राइट, गुड बिल 24,000. जैसे कि हमें काम करने में आसानी रहे सिर्फ इसलिए. और पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पॉइंट में आंसर आएगा तो आपको अजीब सा लगेगा कि भाई आंसर कैसे पॉइंट में आ रहा है. 24,000 हमने किया है इसको. और कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको समझने में आसानी रहे. ये आपका आ गया 4,000. ए सैक्रीफाइसिंग शेयर इन गुडविल 4,000. अब क्योंकि बी ने तो कुछ ना सैक्रीफाइस किया ना गेन किया तो कुछ नहीं करेंगे. अब सी का क्या देखेंगे. सी सीज गेनिंग शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1:6 इज 4,000. मतलब क्या हुआ, एंट्री पास करेंगे इसकी, सीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल और करंट अकाउंट अमाउंट इज 4,000. मैं टॉपिक का पूरा बेस बताऊंगा आपको, लेकिन अभी अभी देखेंगे कि बेसिक क्या हुआ कि हमने सबसे पहले क्या निकाला. हमने निकाला इसका गेनिंग रेशो और सैक्रीफाइसिंग रेशो. ठीक है, ए का सैक्रीफाइसिंग रेशो 1:6 आ गया, सी का सैक्रीफाइसिंग रेशो 1-1:6 आ गया, यानी कि गेनिंग उसने किया, गेन किया, सी ने गेन किया, ए ने सैक्रीफाइस किया. अब गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी 24,000 रुपीज, यहाँ पर लिखा हुआ 24,000 रुपीज. अब गुडविल जो 24,000 रुपीज थी तो हमने जितना सैक्रीफाइसिंग और गेनिंग आया था उसका शेयर निकाल लिया, वो आया 4,000 रुपीज. हमने एंट्री की सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. अब ये एंट्री कैसे कर लेंगे, नोट्स क्या बनेगा इसके. देखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू
sacrificing partners कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब क्या हुआ, हमें हमेशा गेनिंग को डेबिट करना है, गेनिंग जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आप याद कर लें बिल्कुल 100% क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये आप याद कर लें, लर्न कर लें हर चैप्टर के लिए। पार्टनरशिप में जब भी कभी ट्रीटमेंट होगा कैपिटल अकाउंट में, कभी भी रेशो की चीजें आएंगी सामने, तो हमेशा क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कुछ बातें और बतानी है, इसमें क्या बतानी है, हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल, हमने यहाँ लिखा कैपिटल और लिखा करंट अकाउंट, लिखा कैपिटल करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट तब लिखना है तब जब पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। और करंट अकाउंट कब लिखना है, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से बन रहा हो, फिक्स कैपिटल मेथड से बन रहा हो तब हमें लिखना है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यूज करना ये हमेशा के लिए, किसी भी चैप्टर में, पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या कोई वो चैप्टर हो, फंडामेंटल हो, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से है तो आप क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। यानी कि फिक्स मेथड का अगर है तो आपको यूज करना है करंट अकाउंट वर्ड हमेशा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आपको यूज करना है कैपिटल। ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल था, इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ ये लिखा कि एबीसी पार्टनर है और उनका रेशियो हुआ, चेंज हुआ और गुडविल आ गई, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल यूज करेंगे, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड में है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट वर्ड लिख देंगे, राइट। एक बात और बतानी है इसमें, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लाइन अलग से लिखी हुई आएगी, अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिखी है इट मीन्स कि गुडविल ऑलरेडी पहले से गुडविल है फर्म के अंदर। मान लीजिए जैसे हमने कहा एबीसी तीन पार्टनर है, रेशो 3:1 और न्यू रेशो करना चाहते हैं अपना 1:1:1 अभी हमने किया, और क्वेश्चन में हमने बताया था कि गुडविल वैल्यूड एट 24,000 रुपीज, ये गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। अगर एक बात और लिखी हो कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, इन द बुक रुपीज 6,000, ये क्वेश्चन में ये बना है, दो बातें लिखी गुडविल के बारे में, गुडविल वैल्यूड एट 24,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स रुपीज 6,000। तो पहले आपको इस पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, इसे आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, अगर इसे राइट ऑफ नहीं करेंगे तो ये गुडविल बुक्स में रह जाएगी, इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होगी, राइट ऑफ की एंट्री पास होगी जब आपकी गुडविल का नेचर क्या होती है, गुडविल का नेचर होता है डेबिट, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, तो गुडविल जब एक इंटेंजिबल एसेट्स है तो हमारी एसेट्स को अगर हम राइट ऑफ करेंगे यानी कि एसेट को खत्म करेंगे तो एसेट गुडविल की नेचर है डेबिट, तो गुडविल को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6,000। ये पुराने गुडविल को हमने राइट ऑफ किया और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 6,000 रुपीज, 6,000 इंटू 3/6, 3 + 2 + 1 = 6, 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6, इसे आप वर्किंग नोट में बनाएंगे अलग से, ठीक है। तो ये अमाउंट आया 3,000, 2,000, 1,000, एंट्रीज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ होगी। अब जो हमारी ये वैल्यूड हुई है गुडविल, अब उसकी एंट्री पास करनी है, 24,000 रुपीज, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था क्या आया था, ए का सेक्रीफाइसिंग आया था, सी का गेनिंग आया था, क्या एंट्री पास कर दी हमने, सी इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है और कैपिटल अकाउंट है। तो हमने क्या किया, 24,000 रुपीज का, 24,000 रुपीज की गुडविल थी और उसमें कितना आया था, 1/6 आया था सर गेनिंग, तो ये 4,000 और ये 4,000। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें से करना है, अगर गुडविल दो गिवन है, गुडविल हमारे पास वैल्यूड का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ करेक्शन और एडजस्टमेंट और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल का वैल्यूशन हुआ है 24,000 रुपया। और ऑलरेडी अगर वर्ड लिखा है, ऑलरेडी गुडविल पहले से है तो वो पुराने रेशो की है, उसको राइट ऑफ करना जरूरी है। उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ एक एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हमें हमेशा ध्यान रखना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जब भी एंट्री पास करनी है तो इसको ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर फिक्स मेथड है तो हम क्या कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डिपेंड करेगा फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अधिकतर क्वेश्चनों में फ्लक्चुएटिंग मेथड चलता है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा गया है कि फिक्स मेथड है या करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो केवल तब लिखते हैं करंट अकाउंट, अदरवाइज हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। इसे आप लर्न कर लें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये आपका हर चैप्टर में काम आएगा, ठीक है।